कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है और मैंने रोजाना वाले काम खत्म कर लिए हैं, जैसे कि बालकनी। आजकल पहले मैं बीच में ना थोड़ा लेट धोने लगी थी, पर अभी मैं कोशिश करती हूँ सुबह सुबह धो दूँ। पर हाँ, बहुत ज़्यादा सर्दी आ जाएगी तो फिर थोड़ा लेट धोऊंगी। और मैंने सब्जी बनाई है गोभी की, आटा लगा दिया है, चाय बन गई है। चाय में बस फटाफट अदरक डालेंगे और हम लोग चलेंगे मंदिर भगवान जी को जल चढ़ाने के लिए। और जब से सर्दी आई है ना, बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देख लो, भालू बन गई हूँ मैं जैकेट पहन के। मज़ा आता है, सर्दी रहे फिर ऐसे जैकेट पहनो, फिर गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पियो, फिर मंदिर जाओ और फिर मॉर्निंग वॉक पे जाओ, थोड़ा बहुत वर्कआउट करो। बेस्ट द बेस्ट। और ये देखो, ये है भुट्टे के बाल। ये भुट्टे के बाल मैंने 3 गिलास पानी में भिगोए हैं और इसको मैं क्या करने वाली हूँ, उबालने वाली हूँ। उबाल उबाल के इसका 1 गिलास पानी रह जाएगा, उसको अलग से निकाल लूँगी, फिर इसमें 3 गिलास पानी डालूंगी, फिर उसको 1 गिलास रहेगा ना उबाल उबाल के, फिर उसको अलग निकालूंगी। ऐसा मैं 3 बार करूँगी, क्योंकि ये जो पानी आप दिन में 3 गिलास पियोगे ना, तो इसके आपके लीवर, किडनी, जो भी गंदगी है ना आपकी बॉडी में से निकल जाएगी, किडनी क्लीन हो जाएगी, लीवर क्लीन हो जाएगा। तो ये हम ना थेरेपी सेंटर जाते हैं ना, तो उन्होंने बोला कि हर किसी को करना चाहिए ये महीने में 1 या 2 बार। इससे होता है हमारे बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, गंदगी होती है, वो सब निकल जाती है। तो आज मैं पतिदेव का कर रही हूँ, कल मैं मेरा करूँगी। तो बोलते ना, बाहर का खाते हैं कुछ ना कुछ अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, गंदगी होती है, वो सब फ्लश आउट हो जाएगी। तो बस आज हम ये करने वाले हैं, पर बातें नहीं करते, पहले हम चलेंगे मंदिर। और ये देखो, कल मैं लेके आई थी मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर। ये मैं हमेशा चक्की से लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे ना दूसरे पसंद नहीं आते। चक्की पे क्या, वो सब चीज़ें पीस के खुद से देते हैं, तो मैं आटा भी चक्की का लाती हूँ, ये मसाले भी चक्की से ही लाती हूँ। तो चलिए, बातें नहीं करते हैं और फटाफट हम चलते हैं। ये आप डस्टबिन देख रहे हो, इसको मैंने धोया है। प्लीज़ अब ये मत सोचना कि मैंने डस्टबिन है ना वापस यहाँ रख दिया। डस्टबिन मैंने धोया है, अब इसको उल्टा रख के सुखाऊंगी। और पहले हम वो चुन्नी ले लेते हैं जो मंदिर लेके जाते हैं। और ये देखना, अभी मैं जैसे ही मंदिर के पास जाऊंगी, मेरे पैरों की आवाज़ आएगी और ये कुत्ते के बच्चे सारे मेरे पैरों में आ जाएंगे नालायक। और आप सब लोग भी कर लो भगवान जी के दर्शन, भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। तुम्हें चैन नहीं है सर्दी में भी? अरे हट जा, हट हट। इतने गंदे हैं नालायक, मेरे पीछे भागते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब उबल रहा है। चलिए जी, मंदिर से आ गए हैं। और ये जो कुत्ते के पिल्ले हैं ना नालायक, बड़े गंदे हैं। मतलब मंदिर से निकलने के बाद मैं घर तक पहुँचती हूँ, मेरे पीछे भागना है। और डर नहीं लगता मुझे, पर वो है कि मेरे पैरों के नीचे ना आ जाए, क्योंकि अभी ना 2 दिन में ना 2-3 कुत्ते के बच्चे मर गए कार के टायर के नीचे आ गए। क्योंकि जो भी गाड़ी चला रहा है उसको मालूम ही नहीं चलता, वो इतने से तो हैं और पैरों के नीचे आ जाता है। और बस अब फटाफट हम पियेंगे चाय।
चलिए जी, चाय वाय पी के हम लोग हो गए हैं तैयार, अभी चलते हैं। चलिए जी, मैंने वॉक शुरू कर दी है और पतिदेव गए अपना योगा मैट लेके प्राणायाम करने के लिए। अब मैं 2 राउंड लूँगी इसके, उसके बाद मैं सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ये सब करूँगी। चलिए जी, हो गया हमारा योगा वॉक और अभी घर चलेंगे। और मनीषा अभी का कॉल आया था कि वो आए हैं सोसाइटी में, तो बस हम लोग भी जा रहे हैं, वहाँ मिलेंगे थोड़ी देर, फिर जाएंगे घर पे। और ठंड है आज, और ऊपर से ना गार्डन में वो लोग पानी दे रहे थे ना, इतनी ओस रहती है मेरे जूते गीले हो जाते हैं। तो चले चलते हैं, और फिर वही घिसा पिटा सवाल कि नाश्ता क्या बनाना है, क्योंकि पतिदेव को कुछ ना कुछ गर्म चाहिए होता है और मैं ओनली फ्रूट्स खाती हूँ। ये उंगलियों से कोई नहीं डरता है, है भगवती? अभी भगवती अभी नहीं डरते, हम क्यों डरे आपकी उंगलियों से? ये भैया कह रहे है भाई। तो जी, भगवती अभी लाए हैं चाय, टोस्ट और नमकीन, मेरे फीकी चाय, पति की फीकी चाय, सबकी मीठी चाय। ए राजेश भैया तो फीकी चाय पीने लगे ना, घुटने तो आपके दुखते हैं, हैं? घुटने तो आपके दुखते हैं, आप कह रहे हो हमारी उम्र हो गई। तो जी, घर पे आ गए हैं और भगवती अभी ने चाय बनाई थी, तो मैंने और पतिदेव ने बिल्कुल फीकी चाय पी। और बस अभी मैंने जो ये पानी उबाला था ना, इसको मैं छानूंगी। और 1 गिलास पानी रहा था ना, जितना मैंने उबाला, मैंने इसमें डाला 3 गिलास पानी और 1 गिलास पानी इसमें रहा है। बस अब इसको छान लूँगी और अब इसमें 3 गिलास पानी फिर से डालूँगी, फिर उबालूँगी, फिर 1 गिलास पानी रहेगा ना जितना इसको उबालना है। और ये देखो ऐसा पानी आया इस कलर का, लाल और काला। लेकिन ये पानी है ना, बोले आपके अंदर के ऑर्गन्स की पूरी सफाई कर देगा, एकदम बढ़िया कर देगा। तो बस हालांकि पीने में थोड़ा सा पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि आज तो मैं सिर्फ पतिदेव के लिए कर रही हूँ, कल मैं मेरे लिए भी करूँगी। और हम कोशिश करेंगे कि महीने में 1 बार या 2 बार करते रहें, अच्छा होता है, सबको करना चाहिए, हर स्वस्थ आदमी को करना चाहिए। और पतिदेव तो अभी वहीं पे बातें कर रहे हैं, मैं तो आ गई, क्योंकि उनका क्या है, वो तो अपना काम फटाफट ख़त्म करेंगे और फिर रेडी हो जाएंगे, बोलेंगे मैं तो रेडी हूँ चलो। और अभी थेरेपी पे जा रहे हैं ना, तो मेरे काम नहीं हो रहे, पता है मेरे को ना कपड़े धोने खूब सारे, अब 5 बजे उठ के मैं ये काम लग जाती हूँ, मेरे कपड़े रह जाते हैं। वापस आती हूँ मैं 1-1.5 बजे, मुझे भयंकर वाली भूख लगती है, खाना खाती हूँ मुझे नींद आने लग जाती है। और मेरे थ्रेडिंग बनवानी है, और बहुत महीने हो गए, पता नहीं लास्ट कब मैंने ना वैक्स करवाई थी, तो मैं सोच रही हूँ हल्के हल्के बाल आए हैं तो वैक्स करवा देती हूँ, पर मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पार्लर जा सकूँ या उनको घर पे बुला सकूँ। तो देखते हैं, एक दिन ऐसा निकालेंगे जब थेरेपी पे नहीं जाएंगे, तो मैं ये सब काम करूँगी, कपड़े भी धोऊँगी, थ्रेडिंग भी बनाऊँगी, वैक्स भी करवाऊँगी, ताकि वो वैक्स, दिसंबर में हमारी कोई शादी है जिसमें शादी के ब्लॉग आएंगे आपके पास, ब्लॉग्स तो आएंगे शायद नीतू चौहान ब्लॉग्स पे, और जो डांस वीडियो जितने भी होंगे ना, जितने भी डांस वीडियोस होंगे वो सारे आएंगे नीतू चौहान फैमिली पे। तो मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बस मैं बर्तन साफ कर लूँ, चाय की तैयारी कर दूँ। जी, फ्रूट्स मैंने काट लिए हैं और ब्रेकफास्ट नहीं बना रहा। आज इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे पति ने बोला है कि फ्रूट्स काट ले, खाकर खाएंगे, ब्रेकफास्ट मत बना। तो मैं बहुत खुश हूँ आज, मुझे एकदम जन्नत, वो खुशी मिली है, बहुत भयंकर वाली खुशी मिली है। तो ब्रेकफास्ट बनाना नहीं है अब, फटाफट मैंने फ्रूट्स काट लिए हैं और मैं बर्तन साफ करूँगी, फिर हम लोग फ्रूट्स खाएंगे, 1 आध खाकरा खाएंगे और बस फिर फटाफट मैं रोटी बनाऊँगी, काम करूँगी और रेडी होके जाऊँगी थेरेपी के लिए पतिदेव की। कितना अच्छा लगता ना कोई ऐसे बोल दे, डिनर मत बनाओ, बाहर चलेंगे। बस हम बाहर नहीं जा रहे आजकल, मुझे कोई कहता ना बाहर का खाना तो मुझको करंट लगता है कि नहीं मुझे बाहर का नहीं खाना, ऊपर कोई ये बोल रहे हाँ ब्रेकफास्ट मत बना, है ना, खाली खा कर और फ्रूट्स खा लेंगे। तो बस
और मैंने सुबह सुबह ना धनिया पाउडर जिस जार में डालती हूँ ना वो धो दिया, क्योंकि सुबह खाली हो गया था। तो अभी इसको सूखने के लिए रख देंगे और ये जो मसाला है इनको डालूंगी डब्बे में। और जिस डॉक्टर के पास मैं जाता ना थेरेपी के लिए, इनकी थेरेपी के लिए, वो बोलता है चाय छोड़ दो। मैंने कहा सब कुछ छोड़ता है, ये बोलता ना कुछ भी छोड़ सकता हूँ, चाय नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इतनी आदत पड़ी हुई ना चाय की। और उनके पास जो भी आता है ना वो सब यही बोलते हैं कि सर बोलते हैं चाय छोड़ दो, पर चाय नहीं छोड़ सकते। हाँ थोड़ी मीठी कम कर सकते हैं, जैसे इन्होंने बिल्कुल फीकी पीनी शुरू कर दी। मैं थोड़ी सी मीठी पीती हूँ लेकिन गुड़ वाली पीती हूँ, चीनी वाली नहीं पीती, लेकिन उसमें भी मैंने मिठास कम कर दी है। तो चाय नहीं छूटती, लेकिन हाँ जो मैं बोलती थी ना कि ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह मैं फ्रूट्स नहीं खा सकती, पर मैं ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह फ्रूट्स खाने लगी हूँ। और आप मानोगे नहीं, सच बताऊँ मैंने कभी सोचा नहीं था सिर्फ डाइट मैं कंट्रोल कर सकती हूँ और डाइट से इतना ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। मुझे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं, खुद को इतना लाइट वेट फील। हाँ मेरा वजन कम हो गया 3 किलो नेट, 3 किलो वजन कम हो गया मेरा, और सिर्फ खुद ने डाइट कंट्रोल करके। लेकिन मैं भूखी नहीं मरी हूँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे कुछ लोग भूल देंगे भूखा मरना, भूखा नहीं मरा, कुछ ना कुछ खाया है लेकिन हेल्दी खाया है, तेल घी अवॉइड किया है, मतलब सिर्फ जो रोटी चुपड़ते हैं इतना घी, या फिर सोगरे में जो एक टीपरी घी डालते हैं ना बस इतना घी। चलिए जी काम खत्म कर लिया फटाफट, आज तो इतनी भागम भाग हुई ना, मैं बहुत लेट हो गई, मतलब ये समझ लो जितनी लेट हमेशा होती ना उससे भी ज़्यादा लेट हुई हूँ। मेरा ईयरफोन कहाँ गया, इनकी गाड़ी में पड़ा है। मेरे को ब्लॉग एडिट करना है, एक ब्लॉग के ना टाइटल थंबनेल सब करना है, और आज मैंने मेरी होम्योपैथी दवाई भी नहीं ली, मेरे को टाइम ही नहीं मिला। तो बस फटाफट चलते हैं वहाँ पे बैठ के करेंगे। और लाइफ में ना बहुत 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 भाग दौड़ है, मतलब मैं बता नहीं सकती, चलो बाद में बात करते हैं, चलते पहले। A few moments later. तो जी अभी है शाम का वक्त और हम लोग यहाँ से गए थे ना और थेरेपी सेंटर, उसके बाद मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं। मैंने कहा यार रोज क्या ही मतलब शेयर करूँ आप लोगों के साथ कि यहाँ से अच्छा मैं निकल गई हूँ थेरेपी सेंटर, फिर थेरेपी सेंटर का क्या ही शेयर करूँ आप लोगों, सोचोगे क्या रोज रोज दिखाती है हमें, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये ना जो थेरेपी सेंटर है ना बहुत बहुत अच्छा है कसम से। अगर आप लोग जोधपुर में हो और अगर आपको बैक पेन है, सर्वाइकल है, स्लिप डिस्क है, या फिर और भी बहुत, जैसे कि मैंने आज दिखाया किडनी क्लीन, मतलब अंदर से ना किडनी में से जो भी गंदगी हो किडनी क्लीन करता है, लीवर को भी बहुत बेनिफिट मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत तरीके से वो आपका इलाज करते हैं, एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनकी तकलीफ जो कहीं से सही नहीं हुई ना वो यहाँ आके सही हुई है। तो पर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, फिर हम लोग घर आए, खाना खाया, फिर वही भूख लग गई थी भयंकर वाली, क्योंकि सुबह ओनली फ्रूट्स खा के गई थी मैं। तो 1:15 बजे हमने आके खाना खाया, पतिदेव ऑफिस चले गए और मैं मेरा बस वही ब्लॉग एडिट करने में लग गई। और अभी मैंने आपको ये रजाई दिखाई थी ना, ये देखो ये रजाई, हम बहुत साल पहले ना जयपुर गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ पे एक मंदिर के पीछे शायद कोई फैक्ट्री थी, वहाँ हम गए थे, तो ना वहाँ से जयपुरी रजाई लेके आए। और ये रजाई मुझे उस वक्त इतनी पसंद आई थी ना, लेकिन हमें ना बहुत हल्की लग रही थी, और वो दावा कर रहे थे कि आप ये रजाई लेके जाओ और भयंकर सर्दी में भी ये रजाई बहुत गर्म होगी। तो हमें लगा यार बहुत ही पतली है क्या ही गर्म करेगी, फिर ये बोले लेकिन ले ले सुंदर लग रही है, हमें कम सर्दी होगी तब भी हम इसको ओढ़ लेंगे। तो कल रात को हमने पहली बार ये रजाई ओढ़ी, और हम लाए कब थे, शायद ये 2012 या 13 में लाए होंगे शायद। तो बहुत पसंद आई थी, और इसका कलर देखो अब, और है ना हल्का सा ये गोल्डन शाइन दी हुई है इसके अंदर। तो फिर कल हमने क्या, अब तक है ना एसी वाली कंबल ओढ़ रहे थे और उसमें हमें ना सर्दी लग रही थी। तो पतिदेव रात को बोले यार ठंड लग रही है, तो कुछ है ना अच्छे मतलब मोटी कंबल निकाल ले, अब अपना है ना एसी वाली कंबल से कुछ नहीं होता। तो फिर मेरे को ये नजर आई, मैंने कहा यार जब से आई है ना, हम लोग जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या देसी मारवाड़ी लोग होते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि नहीं यार अच्छी चीज़ है, कोई मेहमान आएंगे ना तब निकालेंगे, कोई मेहमान आएंगे ना तब निकालेंगे। पर ऐसा कभी होता ही नहीं है, मेहमान आते हैं ना तो भी दूसरी कंबलें निकल जाती है, पर ये कभी भी नहीं निकली। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, आज तो अपने दोनों पति पत्नी मस्त कंबल ओढ़ेंगे। तो फिर कल रात को हमने ये वाली कंबल निकाली, और हम मानोगे नहीं ये इतनी पतली दिख रही है, रात को आधी रात ऐसी हुई कि हमें पंखा चलाना पड़ा, पसीना आने लग गए थे इतनी गर्म थी ये। फिर रात को मैंने पता नहीं कितने बजे पंखा चलाया,
फिर सुबह तक पंखा चल रहा था और ये ओढ़ के सो रहे थे। सुबह मैं उठी ना तो मैंने पंखा बंद कर दिया, मैंने कहा इनको ठंड लगेगी। जैसे नाने घुसी, अरे पंखा बंद क्यों किया, पंखा चला, गर्मी लग रही है। तो मतलब मस्त वाली गर्म है और बहुत ही सुंदर है। फिर मेरे दिमाग में ना एक पहले ये भी आया था कि सानू की शादी होगी ना तो मैं सानू को दे दूंगी। फिर ये बोले तो तमकती है कुछ नहीं, तेरी बेटी की शादी होगी जब तक और आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं किचन में। और जो किडनी क्लीन वाला जो पानी बनाया था ना, वो सुबह 3 ग्लास बना दिया था, वो पति देव ने पी लिया, थोड़ा और पड़ा है उनका। और मैंने मेरा 1 ग्लास पी लिया, दूसरा भी मैंने छान के आई हूँ, तीसरा मैंने गैस पे रख के आई हूँ, तो मैं मेरा भी बना लूँगी। और बहुत ही बढ़िया है, सच्चे बताऊँ जो मैं ये उबाल रही हूँ ना, भुट्टे के बाल है, जो भुट्टे के बाल होते हैं ना उनको सुखा के ये बनाया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और अभी मैं बनाने वाली हूँ मेरे लिए बहुत ही हेल्दी डिनर, बहुत ही अच्छा टेस्टी हेल्दी पौष्टिक डिनर। क्या बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी, चलिए किचन में चलते हैं। और ये देखो तीसरा वाला जो पानी है मेरा अभी उबल रहा है, और ये है दूसरे नंबर, एक मैं पी चुकी हूँ, दूसरा मैं अभी पीऊंगी। तो इसका ना कलर तो ऐसा लग रहा है जैसे, कैसा बताऊँ मैं आपको, ब्लैक कॉफी जैसा कलर लग रहा है। और ना जब ये उबल रहा है या जैसा हम पी रहे ना, तो ऐसा लग रहा है गेहूं या फिर बाजरी का दलिया जब उबालते हैं जो खुशबू आती है ना, वो इसकी पीते समय खुशबू आ रही है। और इसको ना गरम गरम पीने की जरूरत नहीं है, बस आप बना लो, फिर पूरे दिन में जब भी हो सके आप एक दिन में ख़त्म कर दो। ऐसा नहीं कि बना के स्टोर करना है, आप इसको बना करके स्टोर नहीं कर सकते, बना करके आपको एक ही दिन में पीना है। तो और ये हाँ, ये जो किडनी क्लीन वाला जो है ना प्रोसेस, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी सब कुछ कर चुके हैं। मतलब मैंने संभावना सेठ को भी देखा है, उनको भी वो आए थे पीयूष जी, जो उनके घर पे ये सब करके गए थे, उसको पिलाया था। और मैंने कई सेलिब्रिटीज़ के वीडियोज़ देखे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, महीने में एक बार दो बार जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। और तो फिर मैंने भी कर लिया, पतिदेव ने भी कर लिया, उनका भी आज ख़त्म हो जाएगा। बस ये देखो ये इतना बचा है, तो मुझे पता आज रात को वो भी ख़त्म कर देंगे, मैं भी इसको ख़त्म कर दूंगी। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ मेरे लिए बहुत ही स्वादिष्ट सा दलिया, गेहूं का दलिया बनाऊंगी, लेकिन इसमें सब्जियाँ क्या क्या डालूंगी वो दिखाती हूँ। मैं डालूंगी इसमें बीन्स, मेथी, टमाटर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी और ये चुकंदर। और मेरे पास मटर भी है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर मैं खा नहीं पाऊँगी। तो मटर देखूँगी डालूँगी नहीं डालूँगी, ये सारी चीज़ें मैं डालूँगी। और गेहूं का दलिया डालूँगी बिल्कुल इत्तू सा, दलिया इतना सा रहेगा, सब्जियाँ खूब सारी रहेगी, तो वो मैं खाऊँगी। और हाँ एक कमेंट आया था कि जीजा आपका ना वजन बहुत ज़्यादा मतलब कम हो गया है, मतलब ऐसा लग रहा है। थैंक यू सो मच। हाँ मुझे भी लग रहा है, मतलब मेरे ना ये देखो ये कपड़े ना, ये कपड़े लूज हो गए हैं, और मेरे को अंदर से भी बहुत लाइट वेट फील हो रहा है, मेरा पेट बहुत ही हल्का फील हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी वाला खाना नहीं खा रही। सुबह ब्रेकफास्ट में ओनली फ्रूट्स खा रही हूँ, लंच में मैं एक सोबरा खाती हूँ इतने से लोहे का, और उसके बाद अभी तक कुछ नहीं खाया, बस ये पानी पी रही हूँ, और शाम को वो खूब सारी सब्जियों वाला दलिया खा रही हूँ। तो मतलब घर पर रह के अच्छी डाइट खा के आप वजन कम कर सकते हो। तो चलिए मैं फटाफट लेट हो जाऊँगी, मैं नहीं चाहती कि मैं थोड़ा सा लेट डिनर करूँ, अर्ली डिनर करना है। अर्ली मतलब कि सूरज भगवान एकदम नीचे चले जाए उससे पहले हम पेट में खाना डाल लेंगे। तो जी यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ काट ली जितनी भी आपको दिखाई थी, इसमें गेहूं का दलिया भी धो करके डाल दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, मसाले हम डालेंगे, देखो ऐसा हम खाना खा रहे हैं ना, और इसमें मसाले ना हो ना तो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, आप ऊब जाओगे। तो मैं मसालों में कोई कमी नहीं रखती हूँ। तो लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया, और मैंने इसमें चुकंदर डाला, तो चुकंदर का भी बहुत प्यारा कलर आएगा। लेकिन हल्दी डालेंगे, आपको पता है हल्दी तो बेस्ट है हमारे खाने में। तो बस अब हम इसमें डालेंगे पानी, और इसकी 2-3 सीटी आने तक अच्छे से इसको पका लेंगे। तो आज के दिन में मैंने आपको 2 ऐसी चीज़ें बताई है जो बहुत ही हेल्दी है आपके लिए। मतलब एक तो मैंने बता दिया मेरा डाइट वाला खाना, ये वाली खिचड़ी बनाओ, टेस्टी भी बनेगी और हेल्दी भी है ही। आपको पता इतनी सारी सब्जियां हैं, गेहूं का दलिया बिल्कुल इतना सा डाला मैंने, बिल्कुल ही मतलब ये समझ लो जो हमारी राइस स्पून होती है ना जिससे हम चावल खाते हैं, ये वाला, ये 3 समझ लो बस, इन 3 चम्मच से मैंने ये दलिया बनाना है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके इसको 2-3 सीटी लगा लेंगे। और ये मैंने किडनी क्लीन वाला, तो बहुत ही 2 हेल्दी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो आप लोग भी अगर मेरे जैसे हो तो फिर आप लोग भी कर सकते हो। देखो मैंने ना सब कुछ खाते हुए दिखाया आपको, मैंने जो जो मैं खा रही हूँ वो सब बता रही हूँ, मैं शाम को क्या खा रही हूँ, ब्रेकफास्ट में क्या खा रही हूँ, लंच में क्या खा रही हूँ,
भूखी बिल्कुल भी नहीं मर रही हूँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि भूखी बिल्कुल भी नहीं रही हूँ, हेल्दी हेल्दी खा रही हूँ। और वो हाँ, जो मैंने सीड्स भुने थे ना, वो भी मैं दिन में एक चम्मच या फिर डेढ़ चम्मच या दो चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं लेती, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था कि किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ या तो एक चम्मच या फिर डेढ़ या दो, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेती हूँ। तो बस अब हम इसको लगा लेते हैं ढक्कन और दो सीटी लगा लेते हैं। तो जी यहाँ आप देख सकते हो तीसरे नंबर वाला मग भी मेरा तैयार हो गया है। तो मैंने अब तक दो ऐसे मग पी चुके हैं, तीन पीने मतलब तीन ग्लास पीने हैं, दो मैं पी चुकी हूँ, तीसरा मैं शाम तक खत्म कर दूंगी। और मेरे जो कुकर की सीटियां हैं वो दो बोल चुकी है, दो तीन और बुलाऊंगी इसको, मतलब एकदम अच्छे से घोट दूंगी ताकि मेरे को सब्जियां मुंह में ना आए, एकदम घुट जाए दाल जैसा। अब बस धनिया पाउडर इसमें निकालूंगी, सुबह मैंने इसको धो के रखा था, अच्छे से सूख गया ये कचरा, इसको उठाऊंगी। और ये देख लो इतने बर्तन हो गए हैं, नीचे दूध का भगोना, इसमें मैंने वो ये देखो बाल ये उबाले थे, और ये जो बाल्टी जिसके अंदर मैं छान रही थी, देख लग रहा है ना एकदम इंसान हो कैसे बाल, पर ये भुट्टे के बाल है जो सूखने के बाद ऐसे हो जाते हैं। तो बस फटाफट धनिया पाउडर इसमें निकाल दूं और ये सब साफ करके बर्तन साफ कर, जब फिर उसके बाद मैं मस्त वाला हेल्दी टेस्टी वाला डिनर करने वाली हूँ। बस जी यही है मेरा दिन, मतलब मेरा डेली रूटीन यही रहता है, मतलब आप ठीक है, अभी बाहर जो जा रहे हैं ना पतिदेव की थेरेपी के लिए, बस वही थोड़ा सा ऐड हुआ है, बाकी सेम टू सेम रूटीन होता है, बोलना मत। और मैंने ना वो पार्लर वालों से वो टाइम भी ले लिया है, तो कल उन्होंने मुझे टाइम दिया है कि आप इतने बजे आ जाना, कि इस वक्त कोई भी नहीं रहेगा पार्लर में, तो आपका काम सबसे पहले और जल्दी खत्म हो जाएगा। तो बस मैं जाऊंगी कल सुबह जल्दी काम खत्म करूंगी, ये समझ लो कल हमेशा मैं 5 बजे उठती हूँ, कल 4:30 उठूंगी, नहाऊंगी, सर दूंगी, कपड़े धोऊंगी, उसके बाद मैं 5 बजे किचन में आऊंगी, वॉक पे जाऊंगी, योगा करूंगी, घर का काम करूंगी। बस कल नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कल पतिदेव की थेरेपी नहीं होगी, कल थेरेपी के लिए हम लोग नहीं जाएंगे, इन्होंने मना कर दिया कि कल मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि थेरेपी के चक्कर में इनका ऑफिस भी लेट हो रहा है, मतलब ऑफिस ये जो नॉर्मली पहुंचते हैं 10:30, 11:30 बजे, और अभी हो रहा है कि ऑफिस पहुंच रहे हैं 2 बजे, तो ये बोले फिर प्राइवेट जॉब है अच्छा नहीं लगता, तो फिर कल उनको मना किया है, तो कल ये ऑफिस जल्दी जाएंगे, मैं मेरे एक्स्ट्रा काम खत्म करूंगी, परसों फिर से थेरेपी के लिए जाएंगे। और अभी उन्होंने लाइफ में बहुत भागदौड़ मची, अब मैं बता नहीं सकती, कि ये समझ लो जो कैमरे में आपको दिख रहा है ना वो 50% है, उसके पीछे बहुत कुछ चल रहा है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, बस भगवान से प्रार्थना करना कि सब कुछ अच्छा हो जाए, हमारी लाइफ पहले से ट्रैक पे आ जाए जैसे पहले थी, एकदम सब कुछ स्मूथली नॉर्मल चलने लग जाए। कुछ कुछ बहुत कुछ चल रहा है, कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है, जो एक बार ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या बुरा था, क्या चल रहा था, किस चीज की थेरेपी चल रही थी, हमारी लाइफ में क्या चल रहा था, मेरे क्या चल रहा था, पतिदेव की क्या चल रहा था, बच्चों का क्या चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, बताऊंगी पक्का आपके साथ, पक्का शेयर करूंगी। बस थोड़े से दिन का इंतजार हो रहा है, मैं भी मुझे मालूम है बहुत सारे लोग ब्लॉग देखते हैं लेकिन बहुत सारे सवाल वो पूछते नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में जरूर आता है, क्योंकि मैं भी ये होता है कि किसी के कुछ चल रहा होता है ना, मेरे दिमाग में बहुत कुछ होता है कि मैं उनसे ये पूछूं, पर पक्का पक्का शेयर करूंगी, बस थोड़ा सा इंतजार। तो चलिए मैं कर लेती हूँ फटाफट काम और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं खत्म, मुझे मालूम है ये ब्लॉग भी काफी बड़ा हो चुका है। तो थैंक यू सो मच पूरा ब्लॉग देखने के लिए, और जो मैंने ये दो चीजें बताई है आपको आप जरूर करिएगा, अच्छी डाइट लीजिएगा, और आप लोग भी अगर ये किडनी क्लीन करना चाहते हैं, लीवर क्लीन करना चाहते हैं, अंदर के टॉक्सिन्स निकालना चाहते हैं, अंदर की गंदगी निकालना चाहते हैं, अगर किसी के किडनी में स्टोन्स है कुछ भी है ना, तो कसम से कहूँ सबके लिए, मतलब आजकल जो खान पान है ना उसके चलते हमारी जो हेल्थ में अंदर इंटरनल जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो सब दूर हो जाएगी। तो आप लोग कर सकते हो, और आप अपने आजू बाजू पता करोगे ना तो ये भुट्टे के बाल इजीली मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं तो जो भुट्टा बेचता है ना उनके पास जाओ, उनको बोलो ये बाल दे दो हमें, तो सुखा के आप इनको यूज कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही प्यारे से नए ब्लॉग में, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे, मेरा डेली रूटीन पसंद आता होगा, मेरी लाइफ में जो जो होता है बस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कभी होता है हैंड टू हैंड शेयर करती हूँ, कभी थोड़ा सही वक्त आने का इंतजार करती हूँ फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना, अगर इसके बारे में कुछ भी आपके सवाल हैं जो भी मैंने ये भुट्टे वाला किया या फिर जो खाना बनाती हूँ या मेरी हेल्थ ये देखो उसके लिए कोई सवाल है, कोई जवाब है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो जरूर बताइएगा। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो खिचड़ी है वो बन गई है,
बस मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो घोटनी है ना इससे अच्छे से मैश कर दूंगी ताकि सब्जी और सब इसके साथ मिक्स हो जाए। तो लाइटें भी आ चुकी है और दलिया मैंने जितना हो सका ना इसको मैश कर दिया है। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल इतने से घी में लहसुन का तड़का दिया है और बस ये थोड़ा सा लहसुन ब्राउन हो जाएगा ना तब मैं इसके अंदर डालूँगी और गर्मा गर्म हमारा जो दलिया है वो हो गया तैयार। ये देखिए मेरा हेल्दी टेस्टी डिनर हो गया है तैयार।